लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जो है ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं इस कंडक्टर के अंदर ही। हमने क्या करना है, हमने इसे हीट अप करना है, यानी कि इसे जो है वो हीट करना है। लेट्स सपोज कि जब हम इसे हीट नहीं करते उस वक्त इसके सब एटम्स की जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि जितनी एनर्जी इसके अंदर होगी उतनी ही इसके अंदर होगी। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करें, लेट्स सपोज अभी हम लोग इसको हीट करते हैं, ये एक हम लोग यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, हमारे पास कैंडल्स ही है और ये इसके ऊपर हम लोगों ने फायर लगा दी। अब होता ये है कि जैसे हम इसको एक साइड से गर्म करेंगे, यानी कि एक साइड से हीट कर रहे हैं, तो ये हीट जो है इसका ये वाला एटम जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये वाला एटम एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी हीट है, इसकी अपनी एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये अपने साथ वाले एटम से कोलाइड करेगा तो दोनों एटम में चूँकि एनर्जी का डिफरेंस है, ये वाला एटम अब हीटअप हो चुका है और साथ वाला एटम जो है वो भी कूल डाउन था, तो दोनों में टेम्परेचर का फ़र्क आ जाता है। यानी कि एक की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है, जैसे ही किसी चीज़ को एनर्जी दी जाती है, इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं ना, तो इसका मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और जो इंटरनल एनर्जी है इसका मतलब ये है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, और इसके अलावा अगर उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो वो भी, ये सब एनर्जी का जो सम है ये इंटरनल एनर्जी कहलाता है। जैसे ही इस एटम को हम हीट अप करते हैं तो इसकी जो है एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी बढ़ने की वजह से साथ वाले एटम से कोलाइड करता है, मीन्स इस तरह से कि इसे आप यूँ समझ लीजिए जैसे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, जब तक तो इनका टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, और इन अगर इनका टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, मतलब ये एक ही एटमॉस्फेयर पर पड़े हुए हैं, इनके अंदर कोई मतलब जैसे कि अगर इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है और उसका भी 2 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों को अगर आप इस तरह से कंबाइन करके साथ जोड़ भी दें तब भी इनका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और जो हीट है यानी कि क्यू वो ज़ीरो होगी। चूँकि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इनके दरमियान कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन जैसे ही कोई एक बॉडी है जिसका जो टेम्परेचर है T1 वो ग्रेटर देन है T2, यानी कि इस वाले एटम से या इस वाले ब्लॉक से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जैसे ही आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्यू जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है T1 से T2 की तरफ, यानी कि जो क्यू है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है जब दो बॉडीज़ को आप लाते हैं, आपको मालूम है कि जो कंडक्टर्स होते हैं और डिफरेंट तरह के जो घरों में यूटेंसिल्स इस्तेमाल होते हैं वो किस तरह से हीटअप हो जाते हैं, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चीज़ हो, आयरन की रॉड हो, वो इसी तरीके से इसी लॉ पे जो है हीटअप होती है कि उनके अंदर एटम्स होते हैं। जब किसी एक एटम को हीट मिलती है और वो साथ वाले एटम से जाके कोलाइड करता है तो अपनी हीट उसे ट्रांसफ़र कर देता है, और इस एटम को जो कि टेम्परेचर मिला था और इसका टेम्परेचर कम था, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो हीट जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे हम हीट कहते हैं। जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे ये हीट इसे ट्रांसफ़र हुई, अब इसकी जो एनर्जी है वो साथ वाले जो कूल डाउन मॉलिक्यूल है या कूल डाउन जो एटम है जिसकी एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो थी, वो बिल्कुल अपनी जगह पे था, जैसे ही इस ज़्यादा एनर्जी वाले एटम ने उसके साथ कोलाइड किया तो अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह से इसने अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफ़र कर दी। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र होती चलेगी, क्योंकि जो एटम्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे स्टेबल होते हैं, यानी कि इस तरह से स्टेबल तो होते हैं लेकिन अपनी वाइब्रेशन से, यानी कि ऊपर नीचे हरकत से उनके पास जो भी एटम दाएं बाएं आता है वो अपनी कोलिजन की वजह से उसे हीट ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं, और इस तरह से ये आगे वाले से कोलिजन करेगा, अपनी जगह पर स्टेबल होते ही वाइब्रेट करते हुए ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब एनर्जी इस तरह इस वाले एज पर पहुँचती है तो पूरा का पूरा कंडक्टर जो है उस पर जो है इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है। तो इस सारी की सारी एनर्जी को जिस पूरे कंडक्टर के ऊपर आ गई है, ये जो हॉल एनर्जी आ गई है इसके ऊपर सारी की सारी एनर्जी है, इस एनर्जी को अब हम लोग टेम्परेचर कहेंगे। यानी कि जो हीट होती है वो टू बॉडीज में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से गई, और जो ओवरऑल इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर अब चूँकि इंक्रीज कर गया, इस पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई है, तो अब इस पूरे कंडक्टर के ऊपर जो टेम्परेचर होगा, जिसकी कलेक्टिवली हीट होगी, उसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। हम
इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हीट होती है, हीट मेजर करती है किसी भी चीज़ की एनर्जी को, कि किसी चीज़ में कितनी एनर्जी है। और जो है, और जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ये मेजर करता है कि किसी भी कंटेंट में, यानी किसी भी सब्सटेंस के कंटेंट में कितनी ज़्यादा हीट आई है, यानी कि इस कंडक्टर के जितने भी कंटेंट थे एटम, उन सब ने जितनी हीट एब्जॉर्ब किया उसे कलेक्टिवली हम टेम्परेचर कहते हैं, और इस एटम की जितनी एनर्जी थी उसे हम लोगों ने हीट कह दिया। तो ये हीट और एनर्जी के बारे में था। अब इस तरह से समझ लीजिए, इसी कंसेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए यूँ फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने गैस फिल की हुई है और गैस के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से सपोज ये गैस है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक लिड लगा हुआ है और उस लिड के ज़रिए आपने इस बीकर के अंदर इस गैस को फिल कर लिया है। अब कुछ तरह का प्रोसीजर होता है कि ये वाला कंटेनर जो है वो बाहर वाली एटमॉस्फेयर से, या इस कंटेनर के अंदर जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर वाली एटमॉस्फेयर से कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि हीट इसके अंदर आती है। जैसे ही हीट इन्हें मिलेगी तो इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी और ये रैंडमली मूव करना शुरू हो जाएंगे। पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हीट इनके अंदर आती है ये मज़ीद तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, और वाइब्रेट करते करते इनकी कंडीशन ये वाली आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और दिक्कत बनाऊँ ताकि आसानी से समझाया जा सके। इस तरीके से ये हमारे इस तरह से मूवमेंट शुरू हो जाती है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, कि ये लिड को जो है गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं अगर हमने इसके ऊपर कोई भी वेट वगैरह नहीं लगा, यानी कि एक मूवेबल सिस्टम है। और वो इस तरीके से है कि जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ज़्यादा मतलब तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं तो ये लिड जो है वो अपने आप ही थोड़ा सा ऊपर हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो लिड है, ये लिड हमारा ऊपर की तरफ आ गया, और लिड के ऊपर आने के, यानी कि हमारे जो वर्क डन हुआ है, यानी कि इस सिचुएशन में जो वर्क है, चूँकि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है। पहले ही यहाँ तक इनकी डिस्प्लेसमेंट थी, अब इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ तक हो गई है, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ फासला तय किया है, इन्होंने लिड को मज़ीद ऊपर की तरफ किया है। इसका मतलब है इन्होंने वर्क डन किया है, यानी कि यहाँ पर वर्क डन किया गया है। अब इस सिचुएशन में आप ये देखें कि जैसे ही हीट इन्हें मिली थी तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स ने जो फोर्स है, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते लगाते हमारे लीड को जो है वो ऊपर की तरफ उठा दिया। तो अब जो काम किया गया है सराउंडिंग से, सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करके इस सिस्टम ने किया है हमारे इन्वायरमेंट पे, यानी कि हम इसे कहेंगे कि सिस्टम ने, यानी कि इस तरह से कहना चाहिए कि ये वर्क डन हुआ है, वर्क डन ये हुआ है ना कि हमारे मॉलिक्यूल्स ने फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स के साथ साथ ही उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो उन्होंने किया है ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी के तहत किया है। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि अब इस सिचुएशन में जो हमारा वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, यानी कि हमारे सिस्टम ने वर्क डन किया है ऑन इट्स एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट पे हमारे सिस्टम ने वर्क डन किया है। इस सिचुएशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपवर्ड है और हमारी फोर्स भी अपवर्ड है, तो इसका मतलब है जो थीटा है इनके दरमियान वो ज़ीरो है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करें तो हमारा वर्क डन कुछ इस तरह से निकलेगा कि हमें मालूम है कि एफ बी कोस थीटा होता है, और इस सिचुएशन में हमारा थीटा जो है वो ज़ीरो है, तो जो कोस ज़ीरो है, कोस ज़ीरो जो है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि वन के इक्वल होता है, तो हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा और एफ डी होगा। इसका मतलब है जब भी सिस्टम वर्क करता है, कोई भी आपका सिस्टम हो, कोई भी कंटेनर हो, कोई भी आपकी कोई चीज़ हो जिसके अंदर गैस फिल की हुई है, अगर वो सिस्टम वर्क करता है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर तो उसे हमेशा पॉजिटिवली लिया जाएगा। यहीं से आप इस तरह में भी समझ सकते हैं कि दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, इस सिचुएशन में हीट दी हमने नहीं दी लेकिन सराउंडिंग से उसे कुछ ना कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली। तो जब हीट भी सिस्टम को जाए या सिस्टम वर्क करे अपने इन्वायरमेंट पे, तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव होती हैं। अब अगर हम ये वाली कंडीशन ले लें, ये हम सपोज कर लें कि हमारे पास ये टू कंटेनर हैं, दोनों को एक साथ ही बना लेना चाहिए, और इसके अंदर कुछ गैस के एटम्स या जो हैं वो मॉलिक्यूल हैं, इस तरीके के गैस के एटम्स हैं इसके अंदर,
और ये इसके ऊपर जो है वो एक लिड है इस तरीके से। अब क्या होता है, अब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, यानी कि ये वाली सिचुएशन थी हमारे पास, ये फर्स्ट सिचुएशन है इस तरीके से, और ये गैस है, मतलब एक बीकर है हमारे पास, कंटेनर है, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, उसके अंदर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं, ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। लेकिन कुछ ऐसा प्रोसीजर हो जाए कि जो गैस का लिड है, ये गैस जो है इस बीकर के अंदर कंप्रेस्ड हो जाए, यानी कि किसी तरह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रेशर अप्लाई कर दे इस मूवेबल पिस्टन से, कि ये जो अंदर गैस है उसे कंप्रेस कर दे, उसका वॉल्यूम कम कर दे। तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड ही हो जाता है हमारा, बट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी इस तरह से कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट शो करें। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। तो इस तरीके से जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एंटी पैरेलल आ जाते हैं, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 का आ जाता है। और जो 180 है, अगर हम इसका वर्क डन फाइंड आउट करें तो वर्क डन हमें मालूम है कि एफ डी कोस थीटा के इक्वल होता है। इस सिचुएशन में हमारा जो एफ डी है, मतलब कि मीन हमारा कोस थीटा, थीटा हमारा 180 आ जाएगा, और हमें मालूम है कि जो हमारा कोस 180 होता है वो तकरीबन -1 के इक्वल आ जाता है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क डन हो जाता है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अब की बार जो वर्क डन किया गया, यानी कि वर्क डन, ये हमारा वर्क डन किया गया है, वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट ने प्रेशर जो है अप्लाई किया है गैस को कंप्रेस करने में, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम इज टेकन, यानी कि ये टेकन एज नेगेटिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव होता है। जब भी किसी सिस्टम पर उसका इन्वायरमेंट वर्क करता है तो उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। या इस सिचुएशन में यू भी हो सकता है कि जो हीट होती है वो हीट इजेक्ट कर जाती है, जैसे आप इसे कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने की वजह से जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैसेस का वॉल्यूम है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, तो कुछ हीट जो है वो इजेक्ट हो जाती है। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम से अगर हीट इजेक्ट हो तो वो सिस्टम का जो वर्क डन होगा उसे हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि जो वर्क और जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो हमेशा से इन्वर्सली रिलेशन है, यानी कि हम जहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, वहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर और जो वॉल्यूम है इसके दरमियान जो है इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाता है। और इस सिचुएशन में जो जब हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में वर्क डन करेंगे, तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोई ग्राफ इस तरीके से आएगा, या कोई ग्राफ हो सकता है हमारे पास, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आ सकता है पी और वी के दरमियान इस तरीके से। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ, ये जो एरिया है, इसके अंडर जो भी ग्राफ का इलाका है, यानी कि ये ग्राफ अंडर द एरिया, यानी कि ये जो हिस्सा होगा इस लाइन के नीचे, इसे यहाँ से मिलाने के बाद ये ग्राफ का बन जाएगा, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है इससे हम लोग जो है वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हमें वर्क डन पता चल जाया करेगा कि वर्क डन कितना है, इसे इस तरीके से पता चल जाया करेगा, वो इस तरीके से कि जैसे कि ये लेट्स सपोज कि हमारा कंटेनर था और ये हमारा दूसरा कंटेनर था, हमने ये कहा कि अगर हम इसके ऊपर ये इसका इतना सा एरिया जिसके अंदर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं, और जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं इस तरीके से, प्रेशर अप्लाई करें कि इसका जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस कर जाए, या हो सकता है हीट देने की वजह से इसका प्रेशर जो है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाए, यानी कि दोनों सिचुएशन जो भी हम लोग पीछे पढ़ कर आ रहे हैं, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है और ये वाली सिचुएशन भी, दोनों सिचुएशन में आप ये समझ लीजिए कि जो फोर्स है, फोर्स जो है मॉलिक्यूल की अपवर्ड डायरेक्शन में हो या चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, इस फोर्स को आप जो है वो कह सकते हैं कि ये हमारी प्रेशर के इक्वल है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के इक्वल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने की सूरत में हो सकता है या वॉल्यूम के डिक्रीज होने की सूरत में हो सकता है। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो एफ इंटू डी कोस थीटा की जगह मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि एफ की जगह मैं पी ले लूँ और डी की जगह मैं डेल्टा वी ले लूँ,
और cos थीटा जो भी हो, अगर तो हम लोग सिस्टम पे सिस्टम वर्क डन कर रहा है या सिस्टम पे वर्क डन किया जा रहा है, तो दोनों सिचुएशन में जो वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव उनके केसेस के लिहाज से आ जाता है। यानी कि अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम बॉयल्स का जो है वो ग्राफ इस्तेमाल करें जो पी और वी के दरमियान बना है, तो इस तरह से हमारे पास जो एरिया आ जाता है उस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वर्क डन जो है वो पी डेल्टा वी के इक्वल है। तो इस सिचुएशन से अगर हमारे पास डेल्टा वी भी गिवन हो ग्राफ में, पी भी गिवन हो, तो हम इजीली किसी भी सिस्टम का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जो उसने इन्वायरमेंट पे किया है या जो इन्वायरमेंट ने उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया है। तो ये कुछ वर्क डन के बारे में था कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, और सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से सिस्टम इन्वायरमेंट पे वर्क करता है, और हीट और टेम्परेचर में फ़र्क भी होगा। आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कि हीट और टेम्परेचर में बेसिकली डिफरेंस क्या है।